बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद ज़ीशान शबीर। ये वीडियो बनाई जा रही है उन तमाम दोस्तों की रिक्वेस्ट के ऊपर जो ऑनलाइन मिड टर्म एग्ज़ाम लेना चाह रहे हैं या फाइनल टर्म एग्ज़ाम लेना चाह रहे हैं या वो एमसीक्यूज टाइप क्विज लेना चाह रहे हैं। तो ये मेरी वीडियो जो है ये उन तमाम दोस्तों को हेल्प करेगी कि वो किस तरीके से अपना ऑनलाइन पेपर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना जीमेल अकाउंट ओपन करना है, उसके बाद आपने राइट कॉर्नर पे आना है। तो यहाँ पर ये गूगल ऐप्स की ऑप्शन आपके पास आ रही है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपके पास ऑप्शन आ रही है ड्राइव की, आप ड्राइव पे क्लिक करेंगे, ये गूगल ड्राइव आपकी ओपन हो जाएगी। गूगल ड्राइव पे आपने आकर यहाँ पर आके आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपके पास मोर की ऑप्शन आएगी, मोर की ऑप्शन में आपके पास गूगल फॉर्म्स की ऑप्शन आएगी और इसमें आपके पास जाकर दो ऑप्शन आ रही हैं, ब्लैक फॉर्म लाना चाह रही हैं या फ्रॉम अ टेम्पलेट आप डिजाइन करना चाह रहे हैं। तो आपने क्लिक करना है फ्रॉम अ टेम्पलेट, आप फ्रॉम अ टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक टेम्पलेट वाली विंडो जो है वो अपेयर होगी। इसमें आपके पास ब्लैंक क्विज की ऑप्शन आ रही है, मुख्तलिफ टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। बेसिकली हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम क्विज बनाना चाह रहे हैं या मिड टर्म एग्जाम डिजाइन करना चाह रहे हैं, तो आपने ब्लैंक क्विज पे क्लिक करना है। तो जैसे आपने ब्लैंक क्विज पे क्लिक किया तो आपके पास आगे एक फॉर्म जो होगा वो अपीयर होगा, ब्लैंक क्विज फॉर्म आपका अपीयर होगा जस्ट लाइक दिस। इसमें आपने जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन आपने पुट अप करनी है वो आप राइट डाउन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉलेज नेम, लेट से कॉलेज नेम आ जाएगा आपके पास। देन आपके पास आपने सब्जेक्ट नेम लिखना है, फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज नेम, देन आप यहाँ पर कहते हैं जी फॉर एग्जांपल BSIT सेकंड सेमेस्टर, जो आपने इंफॉर्मेशन देनी है। सब्जेक्ट नेम लिखना है तो वो भी सब्जेक्ट वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं DLD राइट। उसके बाद यहाँ पर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन की ऑप्शन आ रही है, जो क्वेश्चन आपने यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये चाहते हैं कि सबसे पहले स्टूडेंट जो है अपने वो बायोडाटा जो है फिलअप करे, तो आप यहाँ पर स्टूडेंट नेम लिखते हैं। स्टूडेंट नेम लिखने के बाद यहाँ से आपने इसकी ऑप्शन जो है वो आपने शॉर्ट आंसर आपने सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे डिफरेंट चॉइसेस आ रही हैं, तो पहली चॉइस आपके पास क्या होगी शॉर्ट आंसर की, आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन आपने इसको क्या करना है रिक्वायर्ड फील्ड कर देना, इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट ने ये इन्फॉर्मेशन जो है वो लाजमी फिलअप करनी है राइट। अगर इसके बाद आप कोई और इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं दोबारा इस पर क्लिक करें तो ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा। तो हम कहते हैं स्टूडेंट रोल नंबर हमें ये भी चाहिए, तो इसको भी आप क्या करें यहाँ से जाकर इसको शॉर्ट आंसर कर लें जस्ट लाइक यहाँ से शॉर्ट आंसर, और इसको भी रिक्वायर्ड कर दें, ये भी स्टूडेंट लाजमी फिल करेगा। नेक्स्ट अगर आपने स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस लेना है तो यहाँ पर भी आप क्या करें थर्ड जो आपके पास फील्ड है वो आप ऐड कर लें स्टूडेंट ईमेल आईडी राइट, और इसको आप यहां से जाकर शॉर्ट आंसर कर लें इसको भी, और इसको भी आप रिक्वायर्ड कर दें। तो ये अगर आप देखेंगे जब आप इसको रिक्वायर्ड कर रहे हैं तो ये जितनी भी आपने ऑप्शंस आपने रिक्वायर्ड की हैं ये तमाम की तमाम ऑप्शंस के साथ यहां पर क्या आ गया आपके पास टैरिक लगा हुआ आ गया। इसका मतलब ये है कि ये लाजमी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट ने फिलअप करनी है, अदरवाइज वो आगे प्रोसीड नहीं कर सकेगा राइट। अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा दैट इज आई बनी हुई है, प्रीव्यू देखें। ये जस्ट हमने यहाँ पर जो सिंपल सा फॉर्म हमने डिजाइन किया था उसमें हमने कॉलेज का नेम लिख दिया BSIT सेकंड सेमेस्टर, और सब्जेक्ट नेम लिख दिया स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट ईमेल आईडी, और उसके बाद आप यहाँ पे देखें ये फिलहाल यहाँ पर सबमिट की ऑप्शन आ रही है, क्योंकि अभी हम लोगों ने कोई इससे अगला पेज हमने डिजाइन नहीं किया हुआ तो डेट्स वाई यहाँ पे सबमिट का बटन आ रहा है। जब हम नेक्स्ट पेज डिजाइन करेंगे तो फिर ये सबमिट की आपके पास ऑप्शन नहीं आएगी, यहाँ पर नेक्स्ट की ऑप्शन लिखी हुई आएगी राइट। ओके उसके बाद दोबारा हम अपने क्विज पे आते हैं। यहाँ पर आकर अब यहाँ से ये बेसिकली जो आपके पास ऑप्शन आ रही है दैट इज द ऐड सेक्शन, हम अपना नया सेक्शन जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं। ऐड सेक्शन से मुराद ये है कि इसके अंदर हम अपने एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन जो है वो हम अपने फिलअप करेंगे। तो जैसे मैंने सेक्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास सेक्शन टू आ गया है। सेक्शन टू में मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी मिड टर्म एग्जाम कर देता हूँ मैं मिड टर्म एग्जाम, और यहाँ पर अगर आपने इसकी कोई डिस्क्रिप्शन देनी है टोटल मार्क्स देने हैं आपने तो आप वो दे सकते हैं टोटल मार्क्स, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 25, और अगर आपने यहाँ पर टाइम मेंशन करना है टाइम तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं टाइम अलाउड दैट इज
35 मेंस, राइट। अब इसके बाद आपने कोई क्वेश्चन ऐड करना है तो आप ये प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, ऐड क्वेश्चन, राइट। उसके बाद आप यहाँ पर कहते हैं, पहला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर वन। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी एमएस वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ डैश सॉफ्टवेयर, राइट। तो यहाँ पर आप इसके साथ इसकी ऑप्शन दे देते हैं हम, लेट से हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, यहाँ पर ऐड पे, ऐड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सेकंड ऑप्शन देते हैं हम, कहते हैं जी लेट से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। हम कहते हैं बोथ ए एंड बी, और हम यहाँ पे कहते हैं डन, राइट। अच्छा, इसके साथ अगर आप इसको रिक्वायर्ड करना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये कि स्टूडेंट ने लाजमी फिल करना है, तो आप रिक्वायर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप ट्रिपल डॉट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये शफल ऑप्शन ऑर्डर आ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर ये पेपर आप एक से ज्यादा स्टूडेंट को सेंड करते हैं तो आप ये चाहते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ये आपके सेम सीक्वेंस में हर स्टूडेंट के पास ना जाए, उनका ऑर्डर डिफरेंट हो जाए, तो आप यहाँ से इस शफल ऑर्डर ऑप्शन को भी आप क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि हर स्टूडेंट के पास जो है इस क्वेश्चन का जो ऑर्डर होगा वो डिफरेंट जाएगा। आपने आंसर अगर आज का बनाना है तो आप आंसर की पे क्लिक करेंगे, तो जो ऑप्शन आपको इसमें से सही लगती है आप उसको सिलेक्ट कर दें, और यहाँ से आपने जितने मार्क्स इसको देने हैं वो मार्क्स आप इसको दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर का आपने क्वेश्चन रखना तो 1 पॉइंट कर दिया, एंड देन क्लिक ऑन द डन। अब ये मेरे पास एक क्वेश्चन बन गया है। इसका मतलब यह है कि मैं ये चाहता हूँ कि जब ये स्टूडेंट क्वेश्चन फिल कर ले तो उसके बाद नेक्स्ट का बटन आए और वो अगले क्वेश्चन उसके सामने अपेयर हो, तो फिर आप क्या करें, दोबारा से आप ऐड सेक्शन पे क्लिक कर दें। ये मेरे पास एक और सेक्शन बन गया, राइट। इस ऐड सेक्शन में भी अगर आपने वही इन्फॉर्मेशन ऊपर वाली डालनी है वो डाल सकते हैं, अगर आपने नहीं डालनी तो यहाँ पर जस्ट आप लिख दें मिड टर्म पेपर, और उसके बाद आपने क्वेश्चन ऐड करना है। क्वेश्चन आप ऐड करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। लेट से मैं कहता हूँ जी सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है जी मशीन लैंग्वेज इज एन एग्जांपल ऑफ डैश लैंग्वेज, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं ऑप्शन देता हूँ हाई लेवल, यहाँ पे मैं ऑप्शन देता हूँ लो लेवल, यहाँ पे मैं देता हूँ ऑप्शन लेवल, और यहाँ पे मैं ऑप्शन देता हूँ जी राइट। बाकी ऑप्शन आपके पास उसी तरीके से, अगर आप इसका रिक्वायर्ड पे क्लिक करेंगे, शफल ऑर्डर इसकी पोजीशन चेंज करना चाह रहे हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, आंसर की में आप इसका जो राइट आंसर आप बताना चाह रहे हैं वो राइट आंसर आप यहाँ से बताएंगे, पॉइंट्स आपने इसको देने हैं, एंड देन क्लिक ऑन द ओके बटन, डन बटन, राइट। ये मैंने सिर्फ दो क्वेश्चंस बनाए, और ये क्वेश्चंस बनाने के बाद अब मैं जब इसके प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ से देखिएगा, जैसे मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया मेरे पास ये फॉर्म अपेयर हुआ। सबसे पहले मैं इस फॉर्म को फिल करता हूँ, सबसे पहले मैं नाम लिखता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल जीशान, मैंने कहा जी 9919 कॉलेज रोल नंबर, मैंने कहा ई मेल आई डी शब्बीर zishanshabbir.cs@gmail.com, एंड देन उसके बाद अब यहाँ नीचे देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट की ऑप्शन आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपने ये फॉर्म फिल करना है, या स्टूडेंट ये फॉर्म फिल करेगा और जब वो नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो उसका पेपर उसके सामने अपियर होगा, और जैसे वो पेपर अपियर होगा तो वो उसके सामने सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उसके सामने सिर्फ एक क्वेश्चन अपियर होगा, राइट। यहाँ से वो क्या करता है, वो ऑप्शन को सिलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल उसने कहा जी दैट इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और उसके बाद उसने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो अगला क्वेश्चन अब उसके सामने अपियर होगा। जब ये अगला क्वेश्चन अपियर होगा तो यहाँ से भी वो क्या करता है, एक ऑप्शन को सिलेक्ट करता है, राइट। एंड जब वो सबमिट करेगा तो उसका मतलब यह है कि उसका रिजल्ट जो होगा वो सबमिट हो जाएगा। अगर वो बैक जाना चाहता है तो वो बैक बटन को भी यूज कर सकता है, इट डिपेंड्स ऑन हिज और हर चॉइस
कि अगर वो बैक जाना चाह रहा है तो बैक जाकर भी वो ये काम कर सकता है, कोई ऑप्शन चेंज करना चाहता है वो भी काम चेंज कर सकता है। और जैसे वो सबमिट पर क्लिक करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो उसका पेपर जो है वो सबमिट हो चुका है और वो अपना स्कोर जो है व्यू कर सकता है। मेरा ख्याल ये है कि ये बहुत इजी मेथड है जिसकी मदद से आप अपना पेपर जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये एक मेरी छोटी सी एफर्ट है तमाम दोस्तों के लिए ताकि वो आसानी के साथ अपना मिड टर्म का पेपर और जो मॉक क्विज लेना है वो अपना डिजाइन कर सकें। थैंक यू वेरी मच, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।